तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के दिन हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। तो आज के दिन हम कुछ मिशंस रखेंगे और उन मिशंस में हम कुछ दो चीज़ें रखेंगे और उन दो चीज़ों में होगा मेक आयरन आर्मर एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो एटलीस्ट आयरन आर्मर और एक वर्ल्ड एक्सप्लोर कर ही सकता हूँ मैं। तो मिशंस आपको ऊपर दिख गए होंगे। तो उसके लिए मेरे को भर भर के कोबलस्टोन चाहिए होंगे और सैंड को मेरे को अपनी उधर रखना है, यार क्या कहते हैं, चेस्ट में रखना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पर बहुत सारा पिकैक्स और शवल बना लूँ। और भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने अपना नाइट विज़न ऑफ कर दिया क्योंकि वह इससे मज़ा नहीं आएगा ना वर्ल्ड का। मैं माइनक्राफ्ट वैसे खेलूँगा जैसे माइनक्राफ्ट में इंटेंड किया था हमको खेलने के लिए। मतलब उन्होंने जैसे सोचा था हम वैसे ही वो करेंगे, खेलेंगे गेम को। तो भाई मतलब चीटिंग सी हो जाएगी, जो लोगों के पास है नहीं वो कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि बंद ही कर दूँ मैं नाइट विज़न को। और यहाँ पर स्वॉम्प आ गया क्योंकि मैं अपने उधर गया था उस साइड आगे की, जहाँ पर आपको पीछे वाले क्लिप में देखा होगा। और यहाँ पर भाई कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा है, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। और बाय द वे मैं आपको गाइज मैं पहले वापस बता दूँ, मैंने अपना नाइट विज़न ऑफ कर दिया है और मैं उधर उस केव में जाऊँगा। लेकिन बीच रास्ते में हमको एक खाली केव मिली है और पानी। भाई पानी क्यों मिला, उससे बढ़िया कुछ ढंग की चीज़ दे देते। भाई पानी ही मिलना था हमेशा की तरह, हमारे साथ ही होता है ना। आप हमारे साथ नहीं, मेरे साथ, आपका पता नहीं भाई। आपको भाई पहले भाई वाई लेवल 64 में डायमंड मिल जाते होंगे, क्या पता भाई, रेयर चांसेस है। और पहले ही बता दूँ मैं, वो वाली केव आ चुकी है यहाँ पर और यहाँ से मैंने सैंड ली थी और वहीं से मेरे को पता चला ये केव है। और इधर कोई केव है मुझे कोई पता नहीं, क्या आगे डेड एंड है। और भाई मेरे को बाद में पता चला मेरे सिर के ऊपर एक वो है, क्या कहते हैं, एक आयरन, बस एक आयरन। यहाँ पर मैं देखता हूँ और क्या क्या है। भाई कोल है, कोल को बाद में लूँगा। स्पाइडी को मैं जान से मार दूंगा और कोल में सीधा मैं अपना कॉन्सेंट्रेशन लगाऊंगा। स्पाइडर मरेगी 1 सेकंड में, हम बड़े प्रो हैं इसलिए। और जल्दी जल्दी कोल को माइन करो भाई, कोल को कभी नहीं छोड़ूंगा, कोल को नहीं कभी छोड़ना चाहिए गाइस। मैं एक एडवाइस दे रहा हूँ, कभी कोल को मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना कोल को। या मत छोड़ना कभी, सच में मत छोड़ना, क्योंकि भाई वो काम आएंगे। ये देखो इतना कोल, मैं मेरी ज़िंदगी सेटल होगी भाई, कोल ही कोल इधर मेरी होगी ज़िंदगी सेटल। इधर और कोल है, तो मज़ा आ जाएगा कोल कोल खेल खेल के। और यहाँ पर डेड एंड है भाई, वो भी डर्ट वाली से। डिसअपॉइंटमेंट भाई, डिसअपॉइंटमेंट। ऊपर भाई कोल था, उसको भूलूंगा नहीं मैं। तो वापस से निकलते हैं हम। और यहाँ पर मैंने सोचा कोई केव है, लेकिन अफसोस यहाँ पर देखते हैं ऊपर कोल है जिसको मैं कम्प्लीटली इग्नोर करूँगा सपनों में। तो भाई चुपचाप मैं यहाँ पर कोल माइन करता हूँ भाई। अब क्या कर सकता हूँ भाई, कोल को डूब डूब के माइन करूँगा, लेकिन माइन करते जाऊँगा मैं, करते जाऊंगा, डूब रहा हूँ मैं। पर लेकिन मेरे को एक अच्छी सी एयर पॉकेट मिल गई है, विच इज़ गुड। और देख रहे हो, डाइव्ड, आई एम डाइव्ड, मतलब मुझे खुद नहीं पता चला कि मैं क्या कह रहा था, बट या आई एम डाइव्ड। चलो कोई ना, अब यहाँ पर कोल उठा लिया ना, निकल लो भाई, एक अच्छी केव ढूंढते हैं। अच्छी केव ढूंढते हैं, तो उसके लिए हमको केव ढूंढना पड़ेगा। और ये देखो मैंने उधर ही कोल को इग्नोर कर दिया, दूसरी साइड निकला था वैसे मैं, क्योंकि मेरे को कोल ही नहीं चाहिए था, या तो मैंने देखा नहीं होगा। ये देखो इतना कोल है पड़ा हुआ, मैं इग्नोर कर रहा हूँ। हाँ मुझे खुद पता है कि मैंने कुछ समय पहले कोल को इग्नोर करने के लिए मैंने किया था। और बाय द वे देखो वो मिला आयरन, इधर उधर भी खोद के देख लेता हूँ, पता चल गया एक कोल मिल जाए। आई मीन कोल क्यों मिलेगा भाई, कोल कोल बोल बोल के कोल हो गया हूँ मैं वैसे तो। पर कोई ना भाई, आयरन ढूंढ रहा था मैं, आयरन ढूंढते रहूंगा मैं, जिंदा हूँ मैं अपने में, मैंने किसी से लिरिक्स नहीं चुराई है बाय द वे। तो इनको इग्नोर करते हैं और अपने घर की तरफ हो लेते हैं, शाम हो रही है, सो जाता हूँ चुपचाप मैं बेड घेरा। चलो भाई सो जा, मज़ा आ जाएगा, मौज कर दी बेटी। तो भाई अब मैं यहाँ पर ब्रेड वगैरह खा लूँ। अब मैं यहाँ पर इस गड्ढे को बंद करूँगा, क्योंकि भाई गड्ढे को गड्ढा नहीं कहेंगे तो और क्या, बड्ढा कहेंगे। मैं सच में गंदी वीडियो बनाता हूँ क्या, मेरे सच में जोक्स फनी नहीं है भाई, मैं नहीं जी रहा इस दुनिया में।
भाई मैं पहले इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लेता हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है। एक मिस्ट्री जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, ये सबसे हार्ड मिस्ट्री है जो कि अभी तक साइंटिस्ट भी सॉल्व नहीं कर पाए हैं। ये हम अगले एपिसोड में करेंगे, तब तक ले बाय गाइस। तो पहले मैं यहाँ से पानी उठा के डाल, ओ पानी नहीं उठ रहा, ये कैसी अनहोनी है जो कि हो नहीं रही। अबे हो अनहोनी को होनी कर देता हूँ मैं, अनहोनी को होनी कर दूँ, मैं हूँ महेंद्र सिंह धोनी। एक सेकंड, नहीं, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ओके ओ भाई लेट्स गो। अनहोनी को होनी करना आसान बात है, पर लेकिन उसके लिए तुम्हें ज़्यादा दिमाग और ज़्यादा ब्रेन सेल्स चाहिए हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आसान बात है। तो चलो कोई ना, अब मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाऊँगा, यहाँ पर एक होप में कि मेरे को एक केव मिल जाए। हाँ कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अबे कुछ गड़बड़ नहीं है, ये स्कैम है वे, स्कैम 1992, सॉरी 2022 भाई, स्कैम और स्कैम अगेन भाई, स्कैम होता है भाई। अगर मैं, ओ हो यहाँ पर कुछ केव है, पर लेकिन जो पानी है, और डोंट टेल मी उधर एक विलेज है। व्हाट द हैक, उधर एक और विलेज है, ये मेरा विलेज नहीं है, क्योंकि मेरे कॉर्ड्स 200 300 है, कुछ 400 500 ब्लॉक्स दूर है ये विलेज। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो कनेक्शन है इसमें। तो पहले मैं इधर जाके देखता हूँ, इस एक्सप्लोर करता हूँ, और वो देखो उधर आयरन गोलम है। ए ये नेटी नेटी टीजिंग मी, यू आयरन गोलम, आई एम हियर। उस आयरन गोलम को उधर स्पॉन होते हुए देखा था, और अभी स्पॉन होने के कुछ 20 30 सेकंड के बाद उसकी मौत है। सूरा लगिंदा फू। तो अब मैं यहाँ पर आयरन गोलम के सामने 3 स्टेप ऊपर जाऊंगा, पहले इसको एक हिट मारूंगा और भगूंगा पकौड़ों की तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके क्रिट नहीं बज रहा, मैं बड़ा भाई बटरफ्लाई क्लिक करने की गंदी कोशिश कर रहा था बाय द वे, उसके लिए बाय द वे सॉरी। और गाइस मैं ऐसे भी शॉर्ट्स भेजते रहूँगा, आपको सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा। आपको बस भाई इतनी भाई, आपको बस एक सब्सक्राइब से और एक नोटिस, बस 2 3 बटन से आपको एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा चैनल को चांस देने को मिलेगा। और यहाँ पर हे व्हील्स भी ज़्यादा, इसके लिए भाई हो बनती है, हो बनती है, होए बनती है, सॉरी होए, हम उसको होए बोलेंगे। इतनी स्पीड देखो, एफिशिएंसी, गलती से 4 लगा दी ना, 1 टैप लग जाएगा। और यहाँ पर वैसे शुगर केन्स हैं, सो उसको लेते चलेंगे। साइड में से मेरा शुगर केन गुजरा था अभी अभी, उसको हम इग्नोर करेंगे एज ऑलवेज। शुगर केन आई एम कमिंग फॉर या, एक्स से तोड़ रहा हूँ मैं। ओ माय गॉड भाई, मेरे को आगे बहुत ज़्यादा शुगर केन दिख रहे हैं, वो देखो छुट्टू से दिख रहे हैं आपको क्या। चलो कोई ना, मैं यहाँ पर सोने की गंदी कोशिश करूँ, भाई शाम हो गई है भाई, सो जा भाई, मेरे को मॉब स्पॉन नहीं चाहिए भाई। क्रीपर मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद जब मेरे पीछे पड़ते हैं भाई। चलो उठ गया भाई, ये खाना खा ले भाई, नहीं खा रहा। ओके तो अभी यहाँ पर मैं खाना खाऊंगा, नीचे ड्रोन है, इसके पास ट्राइडेंट होता, आई शुड बी केयरिंग अबाउट हिम, बट या फर्क नहीं पड़ता यू नो, मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं, इसलिए मैं रुक रुक के बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ की इस पार्ट की स्क्रिप्ट नहीं बनाई मैंने, एक सेकेंड। ठीक है भाई, अब अपने घर की तरफ हो लेता हूँ, बीच में केव वगैरह भी ढूंढ लूंगा मैं, देखते हैं कोई केव वगैरह मिलेगी। और यहाँ पर मैं पता नहीं क्यों घूम रहा हूँ, अपने घर पे जा रहा था, मैं कोऑर्डिनेट ढूंढ रहा था। और आज अगर रास्ते के लिए खाना पीना ले लेते हैं भाई, पता चला ज़रूरत पड़े है ना, सो बनाना तो बनता है, बहुत ज़्यादा बना ले। और यहाँ पर पम्पकिन भी ले लूँ, बाद में नहीं मिलेंगे तो भाई मैं बार बार 500 600 ब्लॉक दूर जाता हूँ हर एक चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए। ओ माय गॉड, और यहाँ पर एक केव है बाय द वे, इधर मैं पिछली बार तो गया नहीं था, तो अब जाएंगे भाई केव में। साइड में है एक और केव, लेकिन उधर लावा है ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ नहीं है। और लावा से तो पिछली बार की तरह दूर ही रहूँगा, जितना सामान है वो खो जाएगा भाई, खाना है भाई, इतने आयरन है भाई, मेरी सारी प्रोग्रेस
कुछ है भी नहीं यहाँ पर, भगलो चुपचाप भागो, भाग ले भाई। और भाई यहाँ पर सस्ते क्लचिंग, पर लेकिन एक दिन सच में रियल वाला क्लच करूंगा एक समय में। चलो भाई चलते हैं अंदर, और भाई ये टूट गए, चलो नीचे चलते हैं अब। ठीक है, ओ भाई मैं नीचे गिर गया गलती से, ओ माय गॉड। गाइस अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्या किया, आपको कुछ नहीं दिखा तो आपको पता चला चाहिए कि मैंने वाटर लिया, वाटर मैंने सही टाइम में डबल क्लिक किया, मतलब वाटर मतलब गया पानी में, मतलब नीचे उसमें मैं कूद गया था ऑलरेडी, और मैंने वापस से उठा लिया, मतलब बहुत जल्दी, इस बहुत ही जल्दी प्रोसेस था ये। आप इसे स्लो मो में देखना, 10:24 में या 5 में देख लेना, 6 में भी देख सकते हो अगर आपका मन है तो। भाई मैं नहीं गिर रहा वापस यहाँ, भाई क्या है तो ओपी क्लच बोलते हैं भाई, शायद मेरा वो सपना ज़रूर हो गया, मतलब पूरा हो गया। एक दिन छोटे मोटे क्लच नहीं, बड़े बड़े क्लच मारूंगा। दिल में धक धक हो ले रहा था, बट या आई एम क्लेमिंग दिस, मैं अब से इंडिया का बेस्ट क्लचर हूँ पॉकेट एडिशन में। अगर मैं अपने हिस्से का ये क्लेम नहीं करता तो मेरे हिस्से को कोई और ले लेता, तो मैं ऐसा होने नहीं देता, और मैं क्लचिंग बढ़िया करता हूँ। बोट क्लच भी मैंने एक बारी की थी, क्योंकि मैंने ट्राई एक बारी की थी। मैं बेस्ट फनी क्लचर हूँ इंडिया में, फनी बेस्ट क्लचर, जो भी कहता है वही मैं वो हूँ यार। हाँ नहीं तो भाई मुझसे पंगे भाई, माइनक्राफ्ट मेरे खिलाफ हो जाएगी, लेकिन मैं नहीं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, मैं हूँ बेस्ट क्लचर, बाय।